सुबह का शाही ट्रेन को ओ एंड एम पर देने के बाद कल सफदरजंग रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर पैलेस ऑन व्हील्स के सत्र का पहला फेरा शुरू होगा। पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ हरी झंडी दिखाकर शाही ट्रेन को रवाना करेंगे। पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी को राजस्थान का सांस्कृतिक दूत कहा जाता है, जो पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया में एक मिसाल है। क्यूब कंस्ट्रक्शन और ईजी टोल के सामने महती जिम्मेदारी है कि पैलेस ऑन व्हील्स की लेगेसी को आगे बढ़ाएं। देश दुनिया में राजस्थान और भारत की सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर पहचान रखने वाली पैलेस ऑन व्हील्स तैयार है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर 27 सितंबर को पैलेस ऑन व्हील्स अपने सत्र की शुरुआत करेगी। पहली बार इस ट्रेन को O&M आधार पर निजी क्षेत्र को सौंपा गया है। क्यूब कंस्ट्रक्शन और इजी टोल कंपनी द्वारा इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। कंपनी द्वारा ट्रेन में 7 सितारा सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है। शाही मेहमानों और ट्रेन की सुरक्षा के लिए 39 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ट्रेन का इंटीरियर इतना शानदार है कि वुडन हेरिटेज लुक पर्यटकों को काफी आकर्षित करेगा। पहले फेरे पर 33 केबिन यानी 66 मेहमान सफर करेंगे। इस सत्र के लिए काफी अच्छी एडवांस बुकिंग मिली है। ट्रेन के टैरिफ में भी 10% वृद्धि की गई है। तो हम पूरी कैपेसिटी पे 27 का ट्रिप चला रहे हैं और आगे भी काफी इंटरेस्ट है, देश विदेश से इंटरेस्ट है, हर एरियाज हर मार्केट से काफी सारे टूरिस्ट का इंटरेस्ट है इस ट्रेन पर आने का, चाहे वो US हो, UK हो, सारी कंट्रीज हो, टॉप लीडिंग टूरिस्ट एरियाज। तो फिर ये उम्मीद है कि पूरी सीजन ही बहुत सक्सेसफुल जाएगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने बताया कि पैलेस ऑन व्हील्स 1982 से लगातार चल रही थी। 2020 में कोविड के कारण इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था। पैलेस ऑन व्हील्स को फिर से चलाना सबसे बड़ी चुनौती थी। पूरी दुनिया में इस तरह की 10 लग्जरी ट्रेन हैं, बाकी 9 ट्रेन अभी बंद पड़ी हैं। पूरे विश्व में 10 लग्जरी ट्रेनों में 9 अभी तक नहीं चली हैं। पैलेस ऑन व्हील्स का पुनः संचालन हमारे लिए काफी गर्व की बात है। अब से पैलेस ऑन व्हील्स फिर से पटरियों पर दौड़ेगी। ये इंगित करता है कि आने वाले दिनों में पर्यटन क्षेत्र और मजबूती के साथ उभरेगा। हमने टॉयलेट्स को अपग्रेड किया है और जैसे आप देखेंगे उसमें फैब्रिक लगाया गया है, सो दैट गिव द मोर स्पेसियस फीलिंग टू द टूरिस्ट। और जो रूम्स हैं, स्पेस है, उसमें जो गद्दे जो लगाए गए हैं या जो मैट्रेसेस लगाए गए हैं, दैट इज ऑफ हाई स्टैंडर्ड कम्फर्ट जो उनके हैं। और दूसरा जो अरेंजमेंट्स है, ग्राउंड अरेंजमेंट्स में है, जैसे बसेज का है, अच्छी बसेज हैं। मेन्यू हैज बीन प्लान्ड इन अदर वे। शेफ हमने बड़े अच्छे रखे हैं, जो विदेश के भी है, वो एक्सपीरियंस है। राजस्थान की गौरवशाली इतिहास के दर्शन कराती शाही रेल का सफर देशी और विदेशी पर्यटकों को आनंदित करता है। यहाँ पर पर्यटक अपने आप को राजसी माहौल में पाता है। इसमें आवाभगत, स्वादिष्ट व्यंजन और पर्यटन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा भावना, अतिथि सत्कार को देखकर पर्यटक रोमांचित होते हैं। उम्मीद है कि शाही ट्रेन का नया सत्र शानदार रहेगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।